वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बन आर्क लैंप। इस टॉपिक में हम देखेंगे कार्बन आर्क लैंप का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और ये कार्बन आर्क लैंप कैसे वर्क करता है। ये सब सारी चीज़ों को इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो इल्यूमिनेशन चैप्टर है, ये सेकंड सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन इस चैप्टर से कवर्ड होते हैं। तो अभी तक आपने जितने भी लैंप पढ़ा है, उन लैंपों के बारे में, खास करके उनका वर्किंग प्रिंसिपल, वो कितने टेम्परेचर पे काम करता है। जैसे इनकैंडेसेंट लैंप है तो उसका वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है, उसमें उसकी जो एफिशिएंसी जो होती है वो कितनी लुमन प्रति वाट होती है, कितने कितने वाटेज तक ये बनाए जाते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि इसी पे आधारित क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर के जितने भी वीडियो लेक्चर हमने भेजा है उसको ध्यान से देखिए, अच्छे से उसको स्टडी कीजिए और एग्ज़ाम के हिसाब से ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्क लैंप होता क्या है? तो एक आर्क लैंप, ये एक इलेक्ट्रिक लैंप होता है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे दो कार्बन इलेक्ट्रोड के बीच जब हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो उसके बीच क्या होगा, आर्क उत्पन्न होगा और उसी आर्क के द्वारा लाइट उत्पन्न होगा। तो इसी के आधार पे ये जो लैंप है इसका नाम कार्बन आर्क लैंप रखा गया और इस लैंप का आविष्कार सन 1800 में सर हेम्फ्री ने फर्स्ट टाइम इसका इनोवेशन किया था। और उन्होंने क्या किया था कि दो कार्बन इलेक्ट्रोड लिए और उस दो कार्बन इलेक्ट्रोड को एयर के अंदर एक निश्चित डिस्टेंस पे उसको पहले अटैच किया, उसके बाद फिर डीअटैच किया। इस तरीके से जैसे इसको हम पुनः नज़दीक आ कर के कार्बन इलेक्ट्रोड को थोड़ा सा पीछे हम खिसकाते हैं तो उससे क्या होता है कि उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच हाई आर्क उत्पन्न हो जाता है और उसी आर्क का इस्तेमाल हम लाइटिंग पर्पज के लिए करते हैं। तो ये जो कार्बन आर्क लैंप है, आम तौर पे इस लैंप का इस्तेमाल हम लाइटिंग पर्पज में तो नहीं करते, लेकिन इसका इस्तेमाल सिनेमा प्रोजेक्टर में, मूवी प्रोजेक्टर में या सर्च लाइट वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजकल कार्बन लैंप की बजाय इसके जगह पे गैस डिस्चार्ज लैंप अपना स्थान ले रखा है और गैस डिस्चार्ज लैंप का ही इस्तेमाल हम ज़्यादातर करते हैं क्योंकि जो गैस डिस्चार्ज लैंप जो होते हैं वो हाईली इफ़िशेंट लैंप होते हैं। तो इस तरीके से जो सर हेम्फ्री ने कार्बन आर्क लैंप का जो इनोवेशन किया था उसमें आगे चल करके थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई किया गया, क्योंकि कार्बन आर्क लैंप वगैरह में कुछ डिसएडवांटेज हैं कि जैसे जो कार्बन आर्क लैंप के लिए जो हम कार्बन का पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो इस्तेमाल करते हैं तो कुछ समय के बाद इलेक्ट्रोड की लंबाई जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है तो हमको उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था उस कार्बन आर्क लैंप के अंदर जिसका आविष्कार सर हेम्फ्री ने सन 1800 में किया था। तो आगे चल कर क्या किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई ये किया गया कि कार्बन आर्क लैंप में जो कार्बन इलेक्ट्रोड का हम इस्तेमाल करते थे उसके जगह हमने टंगस्टन फिलामेंट लगा दिया और उसको
एयर के अंदर आर्क न उत्पन्न करके उसको एक गैस ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, आर्क उत्पन्न करते हैं और उस गैस ट्यूब के अंदर डिफरेंट टाइप के इनर्ट गैस का, अक्रिय गैस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका जीनॉन हुआ, मरकरी हुआ, नियोन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, इन गैसों का इस्तेमाल उस ग्लास ट्यूब के अंदर किया जाता है। तो जिस गैस का हम इस्तेमाल करेंगे उसी आधार पे उसका नाम रखा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने गैस ग्लास ट्यूब के अंदर जीनॉन गैस का इस्तेमाल किया है तो वो जीनॉन आर्क लैंप कहलाता है। अगर हमने मरकरी का इस्तेमाल किया है तो उसको हम मरकरी आर्क लैंप कहते हैं, और अगर नियोन गैस का इस्तेमाल किया है तो वो नियोन आर्क लैंप कहते हैं उसको, और क्रिप्टॉन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम क्रिप्टॉन लॉन्ग आर्क लैंप कहते हैं। तो इस तरीके से आगे चल करके उसमें ये परिवर्तन किया गया, लेकिन ज़्यादातर पे जीनॉन का ही इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसकी जो लाइट जो होती है ये वाइट होती है, जिसका इस्तेमाल हम सिनेमा प्रोजेक्टर में करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि ये जो कार्बन आर्क लैंप है, ये कार्बन आर्क लैंप वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो कार्बन आर्क लैंप के लिए जो हम दो इलेक्ट्रोड का जो इस्तेमाल करते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड, ये दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है, जिसको हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है, जिसको हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो डिस्टेंस जो रखा जाता है वो डिस्टेंस 1.5 से 6 mm के बीच रखा जाता है। और जब इन इलेक्ट्रोड पे हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच आर्क उत्पन्न होगा। और आर्क कैसे उत्पन्न होता है, क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड के बीच जो गैप होता है, उस गैप में, एयर गैप में जो हवा के अंदर जो छोटे छोटे जो उसके जो कण मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होने के कारण वो दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा निगेटिव आयन्स। इस तरीके से जो निगेटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होगा वो पॉजिटिव जो आयन्स होंगे वो निगेटिव की ओर जाएंगे, और जो निगेटिव आयन्स जो होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। इस तरीके से इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट मिलने से वो कार्बन जो के जो इलेक्ट्रोड हैं वो हीट हो जाते हैं, और इतने हाई टेम्परेचर पे उससे क्या होता है कि वाष्पीकरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो गैस डिस्चार्ज की जो क्रिया है वो गैस डिस्चार्ज की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और उससे वहाँ पे आर्क उत्पन्न होता है, और उसी आर्क का इस्तेमाल हम लाइटिंग पर्पज के लिए करते हैं। तो इसमें हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ से जैसे आपको ये कार्बन आर्क लैंप का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये दोनों ही इलेक्ट्रोड कार्बन के होते हैं, और ये एक स्थिति पे ये ऐसा नुकीले होते हैं दोनों, ये भी नुकीला रहेगा और ये भी नुकीला होता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस 1.5 mm से लेकर के 6 mm तक के बीच में इसके डिस्टेंस को रखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है,
ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसकी डायमीटर कम होता है, और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसका डायमीटर अधिक होता है, जस्ट इसके दुगुना। तो इसको, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को दुगुना डाया रखने का रीजन ये है कि ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है ये हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे वर्क करता है, और इसका जो टेम्परेचर जो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का, वो टेम्परेचर करीबन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और जो निगेटिव इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसका जो टेम्परेचर जो होता है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप कि निगेटिव इलेक्ट्रोड लो टेम्परेचर पे काम कर रहा है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रोड की खपत ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा खपत होने के कारण इस इलेक्ट्रोड का डायमीटर हम ज़्यादा लेते हैं और निगेटिव इलेक्ट्रोड की डायमीटर कम लेते हैं। तो यहाँ पे देखने के लिए सिर्फ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड के शरीर में हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको हम ब्लास्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसका काम क्या रहता है कि इलेक्ट्रोड के अंदर जो करंट प्रवाहित हो रही है उस करंट को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ज़्यादा कुछ तो इस लैंप के अंदर नहीं होता, बस ये तीन चीज़ें होती है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा निगेटिव इलेक्ट्रोड, और तीसरा आपका ये ब्लास्ट रेजिस्टेंस। तो जैसे ही हम इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करीबन 40 से 60 वोल्ट के बीच डीसी वोल्टेज हम जैसे ही सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच आर्क उत्पन्न हो जाएगा, और आर्क उत्पन्न होने के कारण उस आर्क का जो टेम्परेचर जो होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस आर्क का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इतने हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि जब आर्क उत्पन्न होगा तो उससे लाइट उत्सर्जित होगी, और यहाँ नीचे में एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं नीचे में, तो यहाँ से जिस आर्क के द्वारा जो लाइट होगा वो लाइट ऊपर की ओर क्या होगा, जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका कार्बन आर्क लैंप वर्क करता है, और इसका इस्तेमाल हम सिनेमा प्रोजेक्टर के अंदर या सर्च लाइट के लिए करते हैं। तो ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड जो हैं, जिसको हम, ये जैसे जैसे कार्बन इलेक्ट्रोड जलता जाएगा वैसे वैसे उसका लंबाई जो होगी कम होती जाएगी, तो इसको डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए एक निर्धारित गति से इसको आगे बढ़ाना पड़ता है। तो ये क्रिया या तो हम मैकेनिकली रूप से करेंगे या फिर इलेक्ट्रिकली विद्युतीय अरेंजमेंट के द्वारा कोई छोटा मोटर लगाएंगे उसमें, और उससे इसको हम मूवमेंट कराएंगे, और जैसे ही इसका लंबाई कम हो जाएगी तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रोड को दोबारा हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से हम इसको डिसएडवांटेज कह सकते हैं इस लैंप का। तो ये तो सर हेम्फ्री ने जो इसका कार्बन लैंप का आविष्कार किया था, ये उसका वर्किंग हुआ, और बाद में चल के इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया, और वो चेंजेस क्या किया गया उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये एक आजकल जो कार्बन आर्क लैंप जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक कार्बन आर्क लैंप है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टंगस्टन का फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं, और ये पूरी जो यूनिट है ये पूरा एक ग्लास ट्यूब के अंदर बंद होता है। ग्लास ट्यूब में बंद करके
इसके ग्लास ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं कि अक्रिय गैस, जैसे आपको बताया मैं, जीनॉन हुआ, मरकरी हुआ, नियोन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, इन गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस गैस का हम इस्तेमाल करेंगे उसी के आधार पे इसका नामकरण किया जाता है। जैसे अगर हमने जीनॉन गैस किया तो जीनॉन आर्क लैंप होगा, अगर इनके बीच हम मरकरी गैस का इस्तेमाल करेंगे तो उसे मरकरी आर्क लैंप कहेंगे, और इसके बीच यदि हम नियोन गैस का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, नियोन आर्क लैंप कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ जो जो लाइट जो उत्पन्न होगी वो उसके जो कलर जो होगा वो कलर यहाँ पे हम जो गैस फिल करेंगे उस पे डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर तौर पे हमको सिनेमा प्रोजेक्टर के लिए वाइट रोशनी, सफ़ेद लाइट की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए जीनॉन का इस्तेमाल किया जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, जीनॉन आर्क लैंप कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका कंस्ट्रक्शन देखा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा, कैसे कार्बन आर्क लैंप कार्य करता है, और इसके बाद इसका हम देखेंगे एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल हम आउटडोर लाइटिंग के लिए करते हैं। कहीं हमको आउटडोर लाइटिंग करना हो तो उस जगह पे कार्बन आर्क लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फ्लश लाइट में, फ्लश लाइट इन कैमरा, कैमरा के अंदर जो फ्लश लाइट होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्लड लाइट, जो डे नाइट वगैरह जो मैच होता है स्टेडियम वगैरह में, तो वहाँ पर देखा होंगे आप कि काफ़ी ऊंचाई पे, हाइट पे फ्लड लाइट लगा होता है, और जब उस लाइट को हम रात में जलाते हैं तो बिल्कुल हमको डे नाइट, मतलब बिल्कुल दिन के समान रोशनी हमको महसूस होती है, और ऐसा लगता है कि रात नहीं दिन है। तो इस तरीके से फ्लड लाइट में, सर्च लाइट में, माइक्रोस्कोप लाइटिंग के अंदर, ब्लू प्रिंटिंग में, सिनेमा प्रोजेक्टर में और एंडोस्कोपी में, इन जगहों पे कार्बन आर्क लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और आगे हम देखेंगे कि नियोन साइन ट्यूब कैसे वर्क करता है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। धन्यवाद।